ये आग की बात है तूने ये बात सुनाई थी, ये आग की बात है तूने ये बात सुनाई थी, ये जिंदगी की वही सिगरेट है जो तूने कभी सुलगाई थी। चिंगारी तूने दे दी ये दिल सदा जलता रहा, चिंगारी तूने दे दी ये दिल सदा जलता रहा, वक्त कलम पकड़कर कोई हिसाब लिखता रहा। अमृता प्रीतम जी की इस कविता को पढ़ने का मकसद बस इतना है कि आज की लव स्टोरी को एक परफेक्ट शुरुआत दी जाए। हम कई बार ये कहते हैं ना कि मोहब्बत तो उस दौर के लोग किया करते थे, आज की मोहब्बत क्या खाक मोहब्बत, सच्ची पाक मोहब्बत जो अलग हो जाने के बाद भी दिलों में रोशन रहती थी वो उस दौर के लोग किया करते थे। आज की कहानी ऐसी ही है। दीपा जी ने अपने शहर का नाम नहीं बताने का वादा लिया है मुझसे, पर किसी खास को याद करके वो अपनी कहानी को यहाँ बयां करने से खुद को रोक नहीं पाई। रात के 10 बज चुके हैं। अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द शो 9 से 12। आपके साथ मैं हूँ अनामिका। कुछ गानों के पार आपसे मिलती हूँ दीपा जी की कहानी के साथ, ओनली ऑन FM तड़का। साउंड्स गुड। आप सुन रहे हैं FM तड़का पर शो 9 से 12 विद मी अनामिका और इस आर कहानी दीपा जी की। दीपा जी उन दिनों को याद करके बताती हैं कि हम कोलकाता में रहा करते थे। हवेली नुमा घर था, घर में म्यूजिक का माहौल था जैसे आमतौर पर बंगाली फैमिलीज में होता है। दीपा जी की भी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग चल रही थी, गुरुजी घर आते थे उन्हें म्यूजिक सिखाने। दीपा जी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उनसे जो बड़े भाई थे 2 साल बड़े थे, दीपा 15 साल की थी, भाई 17 साल के। भाई फुटबॉल में दिलचस्पी रखते थे। हवेली नुमा घर के बाहर बड़ा सा खुला मैदान था जहां भाई और उनके दोस्त फुटबॉल मैचेस खेला करते थे। दीपा 10वीं में पढ़ रही थी पर उनका ज्यादा रुझान म्यूजिक में था। शाम को जब भाई फुटबॉल खेला करते, दीपा शास्त्रीय गायन की प्रैक्टिस किया करती थी। उनकी फैमिली खुले विचारों वाली थी और घर में लड़कों के आने जाने पर भी रोक नहीं थी। बात काफी साल पुरानी है, हालांकि उन्हीं दिनों की बात है जब दीपा जी ने उन्हें पहली बार देखा था। कौन थे वो, कुछ गानों के बाद बताऊंगी। सुनते रहिए FM तड़का, साउंड्स गुड। आप सुन रहे हैं FM तड़का पर शो 9 से 12 विद मी अनामिका और SR, दीपा जी की जिंदगी से जुड़ा किस्सा। तो दीपा जी के भाई फुटबॉल खेलने में दिलचस्पी रखते थे। उनका पूरा गैंग था, पूरा ग्रुप था लड़कों का जो फुटबॉल मैच खेला करता था। बड़े भाई के दोस्त थे शेखर। फुटबॉल खेलने के बाद शेखर एक दिन घर आ गए शरबत पीने। दीपा जी उस वक्त गुरुजी के साथ बैठकर म्यूजिक में बिजी थीं। शेखर गलती से उनके कमरे में चले गए। वो पहले तो घबरा गए, फिर दीपा जी को एक टक देखने लगे। इतनी सुंदर लड़की और गला भी बेहद सुरीला। तभी भाई पीछे से आ गए और कहा, अरे शेखर यहां नहीं यार, उस कमरे में चलते हैं, यहां तो दीपा की क्लासेस चलती हैं। हां ठीक है चलो ना, शेखर हड़बड़ा गए। शेखर पलट के चले गए लेकिन नजरें दीपा को अभी भी देख रही थी। दीपा भी एक टक शेखर को देखने लगी। उन्हें कुछ अजीब सी फीलिंग्स हुई, ऐसा कभी महसूस पहले नहीं हुआ था। उनके गुरु अक्सर उनसे कहते थे कि दीपा तुम गाती तो अच्छा हो पर अपनी आवाज में प्यार नहीं भर पाती, प्यार नहीं घोल पाती। उस दिन शेखर को देखने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि दीपा जी के गायन में नई जान आ गई। गुरुजी भी हैरान रह गए। उसके बाद तो बस हर दिन वो शेखर को देखती, शेखर उन्हें देखते, किसी न किसी बहाने से उनके कमरे में आ जाते जब दीपा म्यूजिक सीख रही होती और फिर चले जाते। दिन ब दिन दीपा जी और भी ज्यादा शेखर के प्यार में डूबती चली गई। हालांकि दोनों ने एक दूसरे से अभी तक कुछ नहीं कहा था। दीपा जी की गायकी निखरती चली गई, माशाल्लाह उनकी सिंगिंग गजब ढाने लगी थी और सभी उनकी सिंगिंग में निखार को नोटिस कर रहे थे, पर कोई उनके दिल में क्या निखार हुआ है इस बात को समझ नहीं पा रहा था। आगे क्या होगा बताऊंगी। सुनते रहे FM तड़का, साउंड्स गुड। आप सुन रहे FM तड़का पर शो 9 से 12 विद मी अनामिका और इस आर किस्सा दीपा जी की जिंदगी से जुड़ा हुआ। तो दीपा जी और शेखर एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे थे। आंखों की गुस्ताखियां कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती रही बदस्तूर। एक दिन दीपा जी को स्कूल जाते वक्त शेखर रोड साइड पे खड़े नजर आए। वो अपनी साइकिल पे बैठे उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। दीपा उन्हें देखकर ठिठक गईं। शेखर पास आए और कहा कि
जिस दिन से आपको देखा है मैंने, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, शायद इसी को इश्क कहते होंगे। क्या आप भी मेरे बारे में वही सोचती हैं जो मैं आपके लिए सोचता हूं? दीपा जी का दिल जोरों से धड़कने लगा। समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करें। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो बस इतना ही बोल पाई कि आपको देखकर मुझे अच्छा लगता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि हर रोज फुटबॉल खेलने आया करें हमारे घर के सामने वाले ग्राउंड में, संडे भी छुट्टी ना किया करें, जिस दिन आपको नहीं देखती हूं मुझे अच्छा नहीं लगता। शेखर मुस्कुराने लगे और फिर वहां से चले गए। उस शाम शेखर तो क्या कोई भी फुटबॉल खेलने नहीं आया। थोड़ी देर में भाई बहुत घबराए हुए घर आए और फौरन चले गए ये कहते हुए कि हॉस्पिटल जा रहा हूं, थोड़ी देर पहले ही शेखर का एक्सीडेंट हो गया है। रात 10 बजे तक खबर आई कि शेखर नहीं रहे। आगे की कहानी कुछ गानों के बाद। सुनते रहिए एफएम तड़का, साउंड्स गुड। आप सुन रहे हैं एफएम तड़का पर शो 9 से 12 विद मी अनामिका, और इस आर दीपा जी की जिंदगी से जुड़ा खास किस्सा। तो दीपा जी और शेखर की वो मुलाकात जिसमें उन्होंने पहली दफा एक दूसरे से बात की, वो मुलाकात आखिरी मुलाकात बनकर रह गई। उसी दिन एक एक्सीडेंट में शेखर इस दुनिया को अलविदा कह गए। दीपा जी ये खबर सुनकर बिल्कुल सन्न रह गईं। ये क्या सुन लिया उन्होंने? क्या सच में शेखर चले गए? पर कैसे? अभी तो उनकी मोहब्बत शुरू ही हुई थी और अभी शेखर की उम्र ही क्या थी। दीपा जी अकेले में बैठकर बहुत रोईं, बेतहाशा रोईं। उन्हें वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर में किसी को भी पता नहीं था कि शेखर और दीपा एक दूसरे को चाहते थे। उधर दीपा जी की गायकी में प्यार के साथ साथ दर्द भी भर आया था। खैर, जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है, और इस तरह सालों गुजर गए पर दीपा जी के मन से शेखर का गम नहीं गया। आज तकरीबन 45 साल बीत चुके हैं। दीपा जी का भरा पूरा परिवार है, वो खुश हैं जिंदगी में, पर फिर भी आज भी जब वो अकेली होती हैं उन्हें महसूस होता है कि शेखर आसपास हैं। उनकी आंखें आज भी भीग जाती हैं उस दिन को याद करके। वल दीपा जी, आप जिंदगी में खुश रहें। गम, दुख, इन सब चीजों को दरकिनार करके भी आपने बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया है, इसके लिए सीरियसली बिग सल्यूट टू यू मैम। लिसनर्स, आप सुनते रहिए एफएम तड़का पर शो 9 से 12। मैं आपसे मिलती हूं नेक्स्ट आवर।